रहे शिव जी गाइस। उस पहाड़ के ऊपर भाई बिल्कुल टच हो रहे बादल देख लो गाइस। इस गुफा का नाम है, मतलब इस टनल का नाम है उखलियात सुरंग गाइस। सामने का पहाड़ बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है भाई। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो गाइस, लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम एक यहाँ होटल पे रुके थे लास्ट में, और अभी हम हैं भाई मतलब राजसमंद से 40 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा नहीं है, आपको लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था। और आज हम भाई जाने वाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आज हम जाने वाले हैं एक तो राजसमंद से नाथद्वारा से उदयपुर, और उदयपुर का से भी आगे जाएंगे बहुत, लेकिन वो आगे ही बताऊंगा मैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, अभी हम जस्ट उठे, चाय वाय पी और गाड़ी के टायर वायर वगैरह सब चेक किए, ऑल सेट कंप्लीट है। चलो भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस अभी भाई यूरिया भर रहे हैं इसमें, और तो क्या, ये वाली बाल्टी हमने कल ले ली थी वहाँ ऑफिसों से जहाँ से भरी थी, और अभी यूरिया भर के अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी यूरिया भाई भर दिया है, और अभी गाड़ी को घुमा रहे हैं यहाँ से, और तो क्या निकाल रहे हैं, अब हम भी निकलते हैं फिर उदयपुर साइड। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। मतलब राजसमंद का ही है टोल, तो राजसमंद यहाँ से अब कुल मिला के 20 किलोमीटर दूर होगा ज्यादा से ज्यादा। आ गए भाई, जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा। तो अभी भाई मतलब राजसमंद हमसे रह गया है 6-7 किलोमीटर पहले ही, और अब हम भाई जा रहे हैं नाथद्वारा आ चुके हैं। और गाइस नाथद्वारा में क्या फेमस है आपको पता होगा भाई, शिव जी की मूर्ति जो कि वो बहुत ऊंची है, पता नहीं कितने फीट की है जो तो पता नहीं है, लेकिन अभी दिखेगी हमें तो थोड़ी बहुत दिख रही है वहाँ पे, लेकिन अभी कैमरे में नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ पास में जाके दिखाएंगे अभी आपको। आप देख सकते हो मतलब यार पहाड़ पे बना पड़ा है पूरा नाथद्वारा, पहाड़ पे है भाई बिल्कुल, मतलब चढ़ाई है यहाँ। अभी हम भाई नाथद्वारा से बाहर निकल गए हैं, और अभी हम जाने वाले हैं सीधे उदयपुर। चलो भाई उदयपुर चलते हैं। गाइस इधर का क्या ही व्यू है भाई, नेक्स्ट लेवल, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों पे कहीं पे मंदिर, कहीं पे भाई वो बिल्डिंग, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना। गाइस क्या ही एक्सपीरियंस है यार, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के ऊपर भाई बिल्कुल टच हो रहे बादल देख लो भाई, बस का ही एक्सपीरियंस है। परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं, ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। गाइस यार इधर पहाड़ और भाई क्या ही टनल दी यार, गोगुंडा नाम है शहर का, और क्या बोलते हैं उदयपुर को हमने भाई 40 किलोमीटर पहले ही भाई बोल दिया था, लेकिन मैं शायद वीडियो बनाने ही भूल गया वहाँ पे। और अभी हम है गोगुंडा, गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रुके हैं, और हल्की हल्की से बारिश आ रही है और मजा आ रहा है भाई।
लेकिन इस मजे के पीछे मेरे मेरे कितने दुख है वो मेरे को पता है यार। अभी हम भाई क्या बोलते हैं गोकुंदा से निकल चुके हैं, गाड़ी को रेस्ट दे दिया आधे घंटे के करीबन, 40 मिनट आधा घंटा ऐसे ही था। और अभी हम जा रहे हैं भाई पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा है आगे, तो आगे तो बहुत सारी सिटीज आने वाली है, मेन मेन सिटीज आपको मैं दिखाऊंगा, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो गाइस अभी भाई एक और टनल आने वाली है गोकुंदा की भाई सामने, और ये बहुत लंबी गुफा है भाई, सामने जो दिख रहे हैं ना गुफा ही है वो, गुफा बोले तो टनल, टनल बोले तो गुफा। इस टनल का नाम है उखलियात सुरंग। तो गाइस इधर देखो भाई पहाड़ों को काट काट के बीच बीच में खेत बना रखे हैं भाई, अपने तो सही है बिल्कुल प्लेन। ये इधर ये क्या बोल मक्की मक्की बो रखी है। एक टनल गई थी, एक और टनल आ गई, और इस टनल का नाम है भाई खोकरिया नाल। हाँ खोकरिया नाल है, ये तो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। जामुन वाला दिखा है भाई, जामुन ले लेते हैं। कितने के है? 50 रुपए, आधा किलो 50 रुपए। अच्छा वाले भाई आधे किलो के गाइस 50 रुपए। चलो भाई 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 सामने का पहाड़ बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है भाई। गाइस अभी भाई दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमें लग रही है भूख यहाँ पर, मतलब अभी है हमें स्वरूपगंज में, और पिंडवाड़ा था ना, पिंडवाड़ा हमसे यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर पीछे ही, और अभी हमें स्वरूपगंज में आबू रोड पे, और अभी मतलब थोड़ी सी दूर आगे जाएंगे ना 20 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 20 या 24 किलोमीटर है, माउंट आबू आएगा आगे भाई, माउंट आबू भी देखने को मिल जाएगा आज तो। तो चलो अभी यहाँ से खाना खा लेते हैं भाई। अभी भाई खाना पीना तो यहाँ पे हो गया अपना, और छोड़ दो क्या, अभी थोड़ी देर में गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर वापस निकलते हैं, और आज हमें मतलब किसी भी हालत में गांधीधाम जाना ही है, 331 किलोमीटर है इस जगह से, तो चले जाएंगे ऑलमोस्ट अभी तो 12 बजे होंगे, तो चलो थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से भाई। अभी भाई निकलते हैं माउंट आबू की तरफ। गाइस माउंट आबू भाई ये इधर रह गया, और वहाँ थोड़ा सा पीछे से रास्ता जा रहा था माउंट आबू का, और हम आगे निकलेंगे तो माउंट आबू भाई ये रह गया इस तरफ। चलो भाई अब अपनी डेस्टिनेशन इस तरफ है। गाइस अभी हम भाई बहुत दूर आ चुके हैं हमसे, मतलब यहाँ हम एक होटल पे हैं, जय गोगा जी होटल नाम से, यहाँ खान मतलब खाना नहीं सॉरी ये क्या बोलते हैं कुछ चाय वाय पीने के लिए रुके, और हमारे मतलब आजू बाजू बड़ा शहर तो एक है पालनपुर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और अभी हम आगे चलेंगे तो थोड़ी देर यहीं पे गाड़ी को रेस्ट देते हैं भाई, गर्म हो गए भाई इसके टायर, बारिश आ रही है लेकिन। गाइस ये
देख लो भाई, ये सब खेत है यार, बिल्कुल पानी से भरे पड़े हैं। गुजरात में भाई बिल्कुल बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है। ये सारे खेत भाई पानी से भरे पड़े हैं, इनमें क्या ही फसल होगी अब। तो गाइस अभी भाई हम एक होटल पे रुके हैं और सुबह मतलब 6 बजे से स्टार्ट की थी गाड़ी हमने, अभी रात के 12:30 बज चुके हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी हम इसी होटल पे सो रहे हैं और अभी जिस जहाँ पर हमें जाना है ना वहाँ से केवल हम 70 किलोमीटर दूर है, तो सुबह आराम से चले जाएंगे। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। कल यहीं से शुरू करते हैं, तब तक के लिए बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना।